नॉमेनक्लेचर के अंदर हम नॉर्मल कंपाउंड को कैसे लिखते हैं, नॉमेनक्लेचर के बेसिक्स क्या हैं, ये सब अभी तक जान चुके हैं। अब कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप और पॉलीफंक्शनल ग्रुप के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले आप सीखें एस्टर्स का नॉमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है। एस्टर्स, इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है इस फंक्शनल ग्रुप से, इसे एस्टर फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। यहां पर अगर कोई ग्रुप लगा दें तो आप बेटर वे में इसको बता सकते हैं, एक अल्काइल ग्रुप कार्बन से कनेक्ट, एक अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन से कनेक्ट, ये है एस्टर। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये कंपाउंड गिवन है, ये भी एक एस्टर है, इस तरह का रहा हमारे पास एस्टर। अब एस्टर के केस में नॉमेनक्लेचर में थोड़े से अलग रूल का इस्तेमाल किया जाता है। देखें कैसे, सबसे पहले लिखते हैं नेम ऑफ द ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन। ऐसा ग्रुप जो ऑक्सीजन से कनेक्ट हो सबसे पहले उसे लिखते हैं, फिर गैप देते हैं, पोजीशन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लिखा जाता है। उसके बाद वर्ड रूट लिखते हैं, पोजीशन नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स एन इन आइन क्या है, पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप और लास्ट में सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप। इस तरीके से एस्टर को नॉमेनक्लेट किया जाएगा। नाउ स्टेप्स ऐसे रहेंगे, पहला स्टेप फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करें, मार्क करें, ये हुआ। अब सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, नॉमेनक्लेचर के सेकेंड वीडियो लेक्चर के अंदर आपको सिखाया हुआ है किस तरह से पेरेंट चेन को सिलेक्ट किया जाए। अगर आपको नहीं आता तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां से नोट करना। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन में ये कहते हैं उस चेन को पेरेंट चेन लेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आ जाए। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ये रहा, ये है हमारी पेरेंट चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन प्रेजेंट है। अब नंबरिंग, और नंबरिंग के लिए जानते हैं फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे लोएस्ट नंबर, और ये 1, 2, 3 इस तरीके से। अब नाम लिखो, नेम ऑफ ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से अटैच है मिथाइल, सीधा हमने मिथाइल लिखा, गैप दिया, सब्स्टिट्यूएंट, पेरेंट चेन पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट की जरूरत नहीं है, वर्ड रूट, तीन कार्बन है तो वर्ड रूट प्रॉप, मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन नंबर सेकंड पोजीशन पे है, प्राइमरी सफिक्स मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स इन, पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप 1 पे है, और एस्टर के लिए OH शब्द इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि ये O से शुरू है। पहले भी बताया है कि अगर वोवल या वाई से शुरू है E डिलीट करेंगे, मिथाइल प्रॉप टू इन 1OA, फंक्शनल ग्रुप पे अगर नंबर 1 हो तो बेशक से ना भी लिखें तो हम इसका नाम मिथाइल प्रॉप टू इन OA इस तरह से भी नाम लिख सकते हैं, जो कि मोर फेमस वे है ऐसे इसका नाम लिखा जाता है। तो इस तरीके से एस्टर का नाम लिखना। एक और कंपाउंड साथ साथ ट्राई करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ ट्राई करना। सपोज ये है आपके पास एक और कंपाउंड, दिस इज COOE। नाउ इस कंपाउंड में लेट, यहां ME मैं लिख देता हूं। इस कंपाउंड में पहला स्टेप पेरेंट चेन, फंक्शनल ग्रुप ये रहा, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इधर, सो दिस इज योर पेरेंट चेन, नंबरिंग 1, 2, 3, 4। अब यहां पर मैंने दो अलग चीजें ली हैं जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए, होते भी हैं। आज हमने एक एक्सरसाइज व्हाट्सएप की थी, काफी बच्चे यहां पर उलझे। तो देखिए कई बार कुछ ऐसी कॉमन चीजें यूज की जाती हैं जिसको हमें अपने आईक्यू के बेस पे समझना होगा। एनी का मतलब मी नहीं है, कहीं आप अपना नाम लिख दें
और वो कहते कि भाई मेरा ही नाम पूछा था, नहीं, एमी स्टैंड फॉर मिथाइल, ईटी का मतलब इथाइल, ये बच्चे कहते ईट, नो नॉट अ ईट, नो वायलेंस प्लीज, इट इज इथाइल, इथाइल है। सबसे पहले नेवा ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से अटैच मिथाइल, एस्टर में हमेशा सबसे पहले यही लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट्स ईट इथाइल क्लोरो, अल्फाबेटिकली डिक्शनरी में पहले कौन आएगा, ए बी सी डी ई सी आएगा, 3 क्लोरो 2 इथाइल, इस तरीके से ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, वर्ड रूट हमारे पास 1 2 3 4 चार कार्बन है, ब्यूट पोजीशन नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड दिस इज 3 और डबल बॉन्ड है तो ई और 1 ओ एट, अब मॉडिफिकेशन ग्रूमिंग ओ से स्टार्ट है, ई हटाएंगे और 1 पोजीशन नंबर को लिखे ना लिखे मर्जी है, तो हम अपने इस कंपाउंड को इस तरह से लिख सकते हैं, मिथाइल 3 क्लोरो 2 इथाइल ब्यूट 3 ई ओ एट। उम्मीद है एस्टर को अब आप हमेशा बड़े अच्छे से नॉमनक्लेट कर पाएंगे। अब अगली चीज हम सीखते हैं नॉमनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। अब हम सीखेंगे नॉमनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड से हमारा मतलब है जब एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो। जैसे देखिए हमारे पास ये कंपाउंड OH CH CHO COOH, इस तरह से हमें कंपाउंड दिया गया। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, एल्डिहाइड भी है, एल्कोहल भी है, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप पॉलीफंक्शनल। एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस तरह के क्वेश्चंस के आने की होती है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, चुटकी में सॉल्व कर डालेंगे। आपको सबसे पहले एक प्रायोरिटी ऑर्डर याद होना चाहिए, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड को, फिर है हमारे पास एस्टर, एस्टर के बाद एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड के बाद अमाइड, अमाइड के बाद साइनाइड, साइनाइड के बाद CHO, इसके बाद कीटोन, इसके बाद OH एंड NH2। बहुत बड़ी प्रायोरिटी ऑर्डर सीरीज होती है, हमें जितने की जरूरत है हम उतना ही कंसिडर कर रहे हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर यहां से कंसिडर किया गया। अब अपने इस कंपाउंड की तरफ चले, यहां पर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, आप इनमें से सिर्फ एक ही को फंक्शनल ग्रुप मानेंगे और बाकियों को सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसिडर करेंगे। इन तीनों में से एक को फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा इस प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंगली, जो इनमें से आगे होगा वही फंक्शनल ग्रुप। हमने देखा इन तीनों में से ये सबसे आगे है तो ये कहलाया जाएगा फंक्शनल ग्रुप, और ये दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे। अब ये फंक्शनल ग्रुप की तरह इनकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो पहले आपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट किया। अब सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन को जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आ जाए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये है तो पेरेंट चेन ये हो जाएगी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आ गया। नंबरिंग, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर 1 2 3 लोएस्ट नंबर दिया 1 2 3 इस तरह से। अब ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, नाम लिखेंगे पहले, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एटसेट्रा। अब अगर OH सब्स्टिट्यूएंट होता है तो इसका नाम हाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड अगर सब्स्टिट्यूएंट होता है तो इसका नाम होता है फॉर्माइल, क्योंकि अब ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इनका नाम हाइड्रोक्सी फॉर्माइल। अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, फॉर्माइल आएगा, सो वी कैन राइट 2 फॉर्माइल 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट हो गया। वर्ड रूट
तीन कार्बन है, वी विल राइट प्रॉप। मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो सीधा सा एन। और फंक्शन ग्रुप वन ओइक एसिड, इस तरह से नाम। अब कंपाउंड की ग्रूमिंग, ओ से शुरू है, ई हटाएंगे और वन को लिखो ना लिखो, यहां से अगर हम वन हटा दें तो ये ऐसे लिख दिया जाएगा। कंपाउंड का नाम 2-formyl-3-hydroxypropanoic एसिड कहलाया जाएगा। इस तरह से हम इस कंपाउंड का नाम बता पाएंगे। ऐसे ही बच्चों एक और कंपाउंड यहां साथ में कर लेते हैं। हमारे पास है CH2, CH, CO, CH, OH, CHO, ये कंपाउंड। कितने फंक्शन ग्रुप हैं बताओ? बताओगे? 3। कीटोन एल्कोहल एल्डिहाइड। पहला काम, प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन सबसे पहले है? एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, ये रहा पहले कौन? एल्डिहाइड। ये है हमारा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप और ये दोनों है सब्स्टिट्यूट। पेरेंट चेन, वो चेन जिसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आएगा। पेरेंट चेन नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5 नंबरिंग। अगला स्टेप, नाम लिखेंगे। ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोक्सी बोलते हैं जब ये सब्स्टिट्यूएंट होता है। कीटोन अगर हो तो उसको कीटो या ऑक्सो, ऑक्सो या कीटो। चलो मैं इसको ऑक्सो लिखता हूं, हाइड्रोक्सी पहले आएगा, सो आई कैन से 2-hydroxy, 2-hydroxy, 3-oxo, अल्फाबेटिक ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट। वर्ड रूट 5 कार्बन है, पेंट मल्टीपल बॉन्ड 4 पे, ई फंक्शनल ग्रुप 1 पे, अल ग्रोइंग ए से शुरू, ई हटाएंगे, 1 को लिखो ना लिखो, सो आई कैन राइट ई अल, इस तरह से इसको लिख दिया जाएगा। अब मैं आपको होमवर्क में करने के लिए 2-3 कंपाउंड देता हूं, आप आज के वीडियो लेक्चर के बेसिस पे उसका नाम लिखने की कोशिश करना, कौन कौन से कंपाउंड आ सकते हैं उनका नाम ट्राई करना। पहला कंपाउंड इस तरह से CH2 COOH, दूसरा कंपाउंड है CH2 CH CN डबल बॉन्ड CO O E P, तीसरा कंपाउंड CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CO O बेंजीन रिंग, फोर्थ कंपाउंड है हमारे पास नाउ लेट बेंजीन रिंग देन CH2 CH CH CH2 OH, इस तरह से इन चारों कंपाउंड्स का नाम लिखने की कोशिश कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए चाहे, या हम आपके जो नंबर आपको बताया गया है व्हाट्सएप नंबर उस पे इसके सॉल्यूशन भेजिए। जिन बच्चों ने रजिस्टर किया हुआ है उन्हें इसके बेसिस पे वर्कशीट भी भेजी जाएगी और वो वर्कशीट सॉल्व करके हमारे पास सेंड करेंगे। तो बच्चों ऐसे धीरे 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 एफर्ट्स करते हुए चीजें डेफिनेटली सॉल्व होंगी। पिछले वीडियो लेक्चर का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप अगर वीडियो लेक्चर नंबर 1 नॉमेनक्लेचर से शुरुआत करेंगे तो ये बहुत आसान चीज है, मुश्किल नहीं। बोर्ड एग्जाम में भी बेस तैयार होता है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी ये चाहिए। और अगर ये सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, कॉन्फिडेंस ऐसा बिल्डअप हो जाएगा, फिर आपके लिए कोई भी एग्जाम परीक्षा नहीं रहेगा, परफॉर्म करने का एक साधन होगा, जरिया होगा।